नमस्कार, लोकतेज पे आज की बात मित मिश्रा के साथ लेकर हाजिर हूँ। और गणेश महोत्सव की जब भी बात आती है तो अड़ाजन के शक्ति ग्रुप फाइटर को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि पर्यावरण केंद्रीय उनके सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सारे थीम रहते हैं। और आज हमारे साथ इसी थीम के प्रेरणा स्रोत यूँ कह सकते हैं कि जिनके मशक्कत की बदौलत ये थीम साकारित हो पाई है, वैसे रवि भाई खराडी है हमारे साथ। रवि भाई, ये बताइए कि इस साल आपने जो थीम रखी है, क्या सोचा है और किस तरह से आपने उसको अप्लाई किया है? इस बार की थीम जो हमने पर्यावरण लक्ष्य बनाई है, और हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि वृक्ष बचाना है हमको, और वृक्ष एक आदमी को खुद के लिए एक वृक्ष उछर करना है, इसीलिए हमने ये थीम रखी। और हम सूरत की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं, इसीलिए हमने गणपति के माध्यम से कि ये जो त्यौहार है बहुत सूरत में बहुत हर्षोल्लास से होता है, इसलिए सब धर्मप्रेमी जनता बाहर निकलती है। उसको हमने इस बार 2 मिनट और 10 सेकंड का एक क्लिप दिखाया है पर्यावरण बचाओ पे, जो हम यहाँ पे उसको मंडप में बैठ के दिखाते हैं, सबको समझाते हैं कि भाई जो पर्यावरण का नुकसान है वो समय जाते हुए हम सबका ही नुकसान है, अपनी आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा और धरती का नष्ट हो जाएगा। कुदरत ईश्वर की ओर से इंसान को मिली हुई सबसे ऊंची भेंट, कुदरत की बनाई हर एक चीज सिर्फ देने का गुण रखती है। सूरज से रोशनी, नदियों से जल और पेड़ों से सांसें धड़कती हैं। कहते हैं जीवन जीने के लिए सांस जरूरी है, और सांस लेने के लिए पर्यावरण के लिए एहसास जरूरी है। अगर सब मिलकर न कर पाएंगे इनका ठीक से जतन, तो ना रहेगा एक भी गांव, शहर और ना रहेगा ये वतन। पेड़ पौधे आवश्यक हैं जीवन के लिए, बचपन से सिखाया जाता है। जो देते हैं जीवन, हमारे मरने के बाद उन्हीं से जलाया जाता है। अब भी संभल जाओ, क्योंकि अगर इस वातावरण से सांस लेने के लिए ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो जिंदा रहने के लिए आपका खर्च सालाना 7.5 लाख तक बढ़ जाएगा। मुफ्त में मिलने वाले इस वरदान को ना यूं ही गवाएं, किसी के लिए नहीं तो अपनी जिंदगी के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश का हर व्यक्ति अगर एक पेड़ लगाएगा, तब दुनिया का तो पता नहीं, पर अपना भारत देश सबसे खुशहाल नजर आएगा। बीते हुए वर्षों में भी आपने पर्यावरण केंद्रीय बहुत सारे सब्जेक्ट पे थीम बनाई है, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताइए। जो थीम शब्द आप सुन रहे हो, ये शक्ति ग्रुप फाइटर ही लाया है, और 2008 से हम लोग थीम कर रहे हैं और हर साल हमारा अवार्ड आता है। 2 साल पहले हमने जो बहुत दिक्कत थी कि तापी माता जो गंदी होती है उसको बचाना है, और उसके माध्यम से हमने 3 फुट की मूर्ति लाई थी और मंडप पे हमारा विसर्जन किया था, और सब पंडाल वाले को समझाया था कि ऐसा नहीं करने का, अभी सबको हम जागरूक होके गणपति दादा की सेवा करनी है, तो मूर्ति बड़ी हो या छोटी हो उससे भी अपना धर्म प्रेम रहता ही है, इसलिए हमने सबको समझाया। और इस बार रांदे रोड पे तो 80% सबने मूर्ति विसर्जन भी अपने मंडप में किया है, और जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा हुआ है। शक्ति ग्रुप फाइटर जो है वो अपने आप में एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो गणेश महोत्सव ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरह से आप पर्यावरण प्रेमी बनकर गणेश महोत्सव का आयोजन कर सकते हैं, और किस तरह से आप तापी माता को, या यूँ कह सकते हैं कि जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, उसकी एक मिसाल है। फिर से मिलेंगे इसी तरह से लोकतेज पर आज की बात मित मिश्रा के साथ लेकर, तब तक ले दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।